क्वेश्चन ये है कि यहां पे क्वांटिटी है राइट, और मुझे इस पे कमीशन देना है। कमीशन का कंडीशन ये कहता है कि अगर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60, मतलब कॉलन बी में जहां जहां 60 से ऊपर है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है 40 से। ठीक है, मतलब कि किसी दुकान के सेल्समैन है और सेल कर रहे हैं, तो हमने उनको एक दिया हुआ है कि अगर आप 60 से ज्यादा सेल करते हैं, 60 क्वांटिटी से ज्यादा सेल करते हैं, जितनी क्वांटिटी आप सेल करेंगे उसमें 40 रुपए पर आपको पीस जो है आपको कमीशन दिया जाएगा। अगर आप 60 नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये कमीशन आपको निकालने हैं। ठीक है, ये 40 40 क्या है? 40% है या जस्ट 40 नंबर है ये? 40 नंबर, 40 रुपीज पर यूनिट देंगे हम पर क्वांटिटी। दूसरा ठीक है। क्वेश्चन ये है पास और फेल, कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 40 हुआ तो पास देना है, 40 से नीचे आया तो फेल देना, मतलब कि 40 पे पासिंग मार्क है, 40 से नीचे आएगा तो फेल हो पाएगा तो पास हो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपकी कोई मतलब कि ट्रेवल एजेंसी है या फिर आपकी कैब चलती है, तो मुझे ये करना है कि कहाँ पे मुझे लोकल है, कहाँ पे सिटी है, मतलब कि कौन सा आउट ऑफ सिटी का चार्ज लगेगा, कहाँ पे सिटी का चार्ज लगेगा। तो आपके पास है कि दो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग या सिटी के अकॉर्डिंग रखते हैं, कुछ लोग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो डिस्टेंस अगर 200 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो सिटी होगा, अदरवाइज लोकल होगा। ये आपको निकालना है और मुझे लगता है कि आप इसको निकाल पाएंगे सिंपल ये कंडीशन से। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे टैक्स निकालना है। तो टैक्स की दो क्राइटेरिया है कि अगर एमआरपी 500 से ज्यादा हुई तो 12% का टैक्स लगेगा, और 500 से कम हुई तो 5% का टैक्स लगेगा। यहाँ पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है कि अगर एमआरपी 500 से ऊपर है तो हमें एमआरपी का 12% यहाँ पे कैलकुलेट करके शो करना है, अगर एमआरपी हमारा लेस देन 5% है उसका 5% शो करना है। और मुझे उम्मीद है ये भी आप कर लोगे, सिंपल है। और सेम यहाँ ड्यूटी, कि अगर हमारा टाइम जो है रात को 10 बजे से ज्यादा किसी ने काम किया है तो उसका ओटी मतलब कि ओवर टाइम लगेगा, नहीं किया है तो इनकी मतलब नॉर्मल टाइम लगेगा। अब आगे जो नेक्स्ट कंडीशन से देखिए सब्जेक्ट, कि अगर हर किसी में अगर मान लीजिए मैं सब्जेक्ट जो दिया हुआ है, अगर मैं चारों सब्जेक्ट में पांचों सब्जेक्ट में अगर ग्रेटर देन 33 लाता हूं तो मैं पास करूंगा, अदरवाइज फेल करूंगा। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास मोर देन वन कंडीशंस हैं तो इफ के साथ एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा एंड का, कि एंड हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एक कंडीशंस, फिर दूसरे के लिए मैं वापस सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 33, और फिर मैं इफ कंडीशन लगाया और इसको सिलेक्ट किया और बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 33। देन अगेन इफ इसको सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल टू 33, और लास्ट में ग्रेटर देन, यानी कि माफ कीजिएगा हमने गलती कर दी, ओ सॉरी, क्या हुआ आज मुझे, इफ नहीं लगेगा इसमें, मुझसे ऐसी गलती होती है ना, मन उदास हो जाता है। लेस देन इक्वल टू 33। देखिए तो एंड जो है वो एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करता है, क्योंकि तो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर मुझे एक कंडीशन चेक करना होगा तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन 33 कर दू, लेकिन मुझे एक से ज्यादा दो तीन चार करना है तो हमें चारों कंडीशन रिक्वायर है कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए, तो उस केस में हम यूज करेंगे एंड का। तो एंड के अंदर में आप एक से ज्यादा क्वांटिटी को एक से ज्यादा कंडीशंस को डाल दो, सारे कंडीशंस ट्रू है, मतलब कि जो भी यहां पे दिया है सब में 33 से ज्यादा हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, यहां पे 33 नहीं है। सुजीत जी, सर सुजीत जी, एक आपने मिनट। टू वाले एफ के अंदर कॉलम, आपने हाँ लेस देन कर दिया आपने उसमें। हाँ ई टू वाला सर,
हाँ ये वाला ठीक है। तो रिजल्ट आपके सामने, अब मुझे इस ट्रू को, इसमें जो एंड जो रिजल्ट दिया है उसमें हम ट्रू को करना चाहते हैं पास और फॉल्स को करना चाहते हैं फेल। तो इसके लिए हम इसको इफ के अंदर डाल देंगे कि इफ अगर एंड का रिजल्ट अगर ट्रू हुआ तो यहां पे आएगा पास, अदरवाइज आएगा फेल और एंड करना पास और फेल। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेडिंग का। तो पास और फेल आया, अगर ग्रेडिंग हुआ तो अब ये क्या है कि अगर 40 से कम हमने किया तो सी ग्रेड आना चाहिए, 40 to 60 के बीच में हुआ तो बी ग्रेड, 60 to 90 के बीच में हुआ तो ए ग्रेड, और ग्रेटर देन 90 हुआ तो ए प्लस, मतलब कि ए प्लस ग्रेड आना चाहिए। रोहित जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो मैं आपको सुन पाऊंगा। तो ये रहा आपका इस ग्रेड पे, मुझे यहां पे ग्रेडिंग देना है, अगर मैं यहां पे इफ लगाता हूं रोहित जी आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, आप म्यूट कीजिए, जब भी कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। तो कैसे करें सर? वही जहां नाम है आपका, नाम के आगे एक माइक का सिंबल है उस पर क्लिक कीजिए। तो यहां पे हमने बोला कि अगर B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो यहां पे सी ग्रेड आना चाहिए। अब मुझे अभी क्या है कि एक इफ के अंदर में हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन मेरे यहां पे पांच कंडीशन हैं और यहां मैं एंड और नहीं लगा सकता क्योंकि ये स्लैब है घटते से बढ़ते समय। तो यहां पे मुझे नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो मैंने कंडीशन दिया कि अगर B2 अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहां पे C को रिफ्लेक्ट करो, C को रिप्रेजेंट करो, C को शो करो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरा इफ चलेगा कि यहां पे कि अगर A लेस देन इक्वल टू 60 है तो यहां पे बी ग्रेड आएगा। ऐसा नहीं है, 60 भी नहीं है तो तीसरा इफ चलेगा कि अगर ए लेस देन इक्वल टू अगर 90 है तो ए ग्रेड आएगा, अदरवाइज ए प्लस आएगा। या फिर यहां पे कंडीशन भी दे सकते हो कि इफ अगर ए जो है B2 जो है ग्रेटर देन 90 है तो ए प्लस है, राइट। तो यहां पे क्या है, देखिए अभी क्या है, हर इफ हर दूसरा इफ अपने पहले इफ के फॉल्स पार्ट में। अभी इसको समझने की कोशिश कीजिए, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए कि एक कंडीशन चेक करेगा, अगर एक कंडीशन फुलफिल हुआ मतलब कि अगर 40 हुआ तो इस सी को शो करेगा और बाकी सबको इग्नोर करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं 40 से नहीं हुआ तो ये रेफर करेगा अपने दूसरे इफ को, दूसरा इफ अपना कंडीशन चेक करेगा कि B2 इज लेस देन इक्वल 60, ऐसा हुआ तो इसको शो कर देगा। अगर ऐसा नहीं, इसको शो करेगा और इन बाकी सबको इग्नोर कर देगा, बाहर आ जाएगा, आगे चेक बढ़ेगा ही नहीं, आगे चेक ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, B2 अगर लेस देन इक्वल 60 नहीं हुआ तो फिर दूसरा इफ जो है तीसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा और तीसरा इफ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फुलफिल हुआ तो इसको शो करेगा और बाकी को भूल जाएगा।
कि यहीं से बाहर निकल जाएगा, आगे भी बढ़ाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो तीसरा इफ चौथे इफ को फॉरवर्ड करेगा, चौथा इफ कंडीशन चेक करेगा कैसा है तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से नेस्टेड इफ एक इफ के अंदर दूसरा इफ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? किसी को डाउट? नहीं सर, क्लियर है। और जो आपको क्लियर है? हाँ क्या क्लियर है रोहित जी, आपको क्लियर है? हाँ सर सर, क्लियर है क्लियर है। ओके चलिए, तो ये फॉर्मूला है, इसी इसी के बिहाफ पे आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे जहां पे इंसेंटिव है। तो ये सेम स्लैब का इंसेंटिव है और यहाँ पे एक एडिशनल इंसेंटिव है कि मैं 85 to 95 जो कॉलम सी में आपको निकालना होगा, 85 to 95 के बीच में हुआ तो 800 देना है। तो इसमें दो फॉर्मूले है, कॉलम बी और कॉलम सी में आपको लगाना होगा, तो ये आप लोग लगा लीजिएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में मैं लास्ट क्लास में बताया था और का फॉर्मूला, कि जब मान लीजिए कि किसी की आईडी प्रूफ में यहाँ पे मेंशन हो रही है कि पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड और डीएल दिया हुआ, इसका स्टेटस हमें शो करना है ओके और पेंडिंग के रूप में। तो स्टेटस कब शो करना है हमें ओके और पेंडिंग के रूप में, कि कोई भी एक आईडी प्रूफ, अब जरूरी थोड़ी है कोई मतलब तीनों देगा, वोटर आई कार्ड भी दे सकता है, पैन कार्ड भी दे सकता है, डीएल भी दे सकता है, कोई भी एक दे सकता है, दोनों दे सकता है, तीनों दे सकता है, कोई एक भी दे सकता है, क्या सर? तो यहां पे स्टेटस में दिखना है कि भाई कोई एक भी आईडी प्रूफ आ गया तो स्टेटस को ओके करना है। तो यहां पे हम करेंगे और एक से ज्यादा कंडीशन के लिए और का इस्तेमाल करते हैं, राइट? कब? जब रिक्वायर ऑप्शनल लोग कोई एक भी, सारे के सारे इस्तेमाल कब करते हैं सर? जब सारे के सारे कंडीशन चेक करना है, जैसे कि मैंने मार्क्सशीट इसमें किया था, मार्क्स में 33 सब में आने चाहिए तभी पास होगा, तो सारे रिक्वायर है, इसमें भी कोई एक आना चाहिए, तो एक रिक्वायर है। अच्छा ठीक है, तो इक्वल टू वाई, और जब भी आप टेक्स्ट लिखोगे इन्वर्टर कमांड के अंदर लिखोगे, फिर इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ए इक्वल टू वाई है, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और लिखा कि a इक्वल टू y है, और फिर हमने सेम इसको सेलेक्ट किया और इक्वल टू y लिख दिया, तो एक भी मिल जाएगा इसकी, देखिए मैं डिलीट कर देता हूं इसको, तो यहाँ पे ओके आएगा। कोई जब नहीं मिलेगा तो फॉल्स आएगा, और इस ट्रू एंड फॉल्स को हमें शो करना है किसमें? ओके एंड पेंडिंग में, तो यूजिंग द इफ, यहाँ पे इफ लगा देंगे, यहाँ पे ओके अदरवाइज पेंडिंग आ गया। अब यहां पे किसी एक पे भी मैं वाई लिख दू तो ओके आ जाए, लेकिन अब कंडीशन चेंज हो गया, जैसे क्या ना कि इफ पेन वाई पेन इक्वल टू वाई एंड रेस्ट हैव एनी वन वाई देन सो स्टेटस ओके अदरवाइज पेंडिंग, मतलब कि बैंक ने बोला कि भाई दो चाहिए मुझे, पैन नंबर तो चाहिए ही चाहिए, बिना पैन के अकाउंट नहीं खोलूंगा, और पैन नंबर के अलावा इन तीन में से एक दीजिए आप। तो यहां पे देखिए इक्वल यहां पे एंड, एंड अगर ए इक्वल टू वाई है, और फिर यहां पे और लगाते हैं, और इन तीनों से एक कोई वाई आ जाएगा। तो इस तरह से और एंड को हम मिक्स कर देते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो अगर मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो फॉल जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने इसमें दो दे दिया, डीएल और पासपोर्ट दे दिया,
और यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूं तो फॉल्स आएगा, ठीक है। एंड और इस्तेमाल करते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 8 को बना लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए भी इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर है। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें करना है कि मेरे पास कंडीशन है, सेम कंडीशन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में कंडीशन था स्लैब इंसेंटिव का। लेकिन यहां भी क्या है कि अगर 40 आया, 40 तक आया तो मैं 700 फ्लैट देता हूँ, 700 रुपए ले लेगी वह। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में चेंजिंग क्या है कि अगर 40 तक आया, 40 के नीचे 40 तक है आपका सेल, तो हम आपको जितना सेल करेंगे उतना 20 रुपए यूनिट देंगे। मान लो किसी ने अगर 35 सेल किया हुआ है तो 35 मल्टीप्लाई बाय 20, अगर किसी ने 45 सेल किया तो 40 मल्टीप्लाई बाय 20 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6। क्यों? क्योंकि 40 जो है 20 रुपए के हिसाब से है और आपका 5 जो है वो 60 रुपए के हिसाब से। भगत जी समझ में आया जी? संजीव चौधरी जी? हाँ समझ में आया सर। तो समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। मैं अभी आपके सामने फाइल मेल कर रहा हूं ताकि बाद में आप ना कहें कि सर मेल नहीं आया, अभी आपके सामने कर रहा हूं। और मुझे इस फाइल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो इसका मतलब है कि आपने इफ को अच्छी तरीके से जान लिया। फिर हम अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, अगर नहीं तो फिर वापस हमें आपको इफ को अलग अलग एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा, क्योंकि इफ काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ऑफिशियल लाइफ में। बिल्कुल सर। और सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने अपडेट कर दी है, आज की रिकॉर्डिंग में अपडेट कर देता हूं। फिर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो फिर हम आगे टेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे और टेक्स्ट कैलकुलेशंस के बारे में आपके साथ डिस्कस करें, ठीक है। आपकी प्रीवियस क्लासेस से आप लोगों के पास कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है? ओके। बोल रहे हैं कि इफ वाला जो क्लास कराए थे, हाँ, उसका वीडियो डाले थे क्या? हाँ, सारा वीडियो डाल चुका है, आज सुबह अपडेट किया मैंने, चेक कर लीजिए। अच्छा।